हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ चार तरीके से कॉलर को कटिंग करना फ्रेंड्स बहुत ही यूजफुल वीडियो है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है स्किप नहीं करना है तो सबसे पहले मैं आपको सिखाने वाली हूँ स्ट्रेट कॉलर ये बहुत ही यूज़फुल कॉलर है इसको हम जेंट्स की शर्ट में भी लगा सकते हैं कुर्ते में भी लगा सकते हैं अपना ब्लाउज में भी लगा सकते हैं और सूट में भी लगा सकते हैं इसको कटिंग करने के लिए सबसे पहले मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई है उसके बाद कॉलर की चौड़ाई आपको जितनी भी चाहिए मैंने एक इंच कॉलर की चौड़ाई ली है आप सवा इंच भी ले सकते हैं डेढ़ इंच भी ले सकते हैं मैक्सिमम डेढ़ इंच होता है उसके बाद हम उसको भी स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे तो ये मैंने एक इंच का पूरा कॉलर की जो चौड़ाई है वो पूरी एक इंच लिया है तो ये पूरा मैंने एक इंच की पट्टी बना ली है इसको उसके बाद मैं मार्कर से डार्क करूँगी क्योंकि पेंसिल का मार्क आपको दिखाई नहीं देगा वीडियो में इसलिए मैं मार्कर का यूज़ कर रही हूँ आप मार्कर का यूज़ नहीं करेंगे पेंसिल से ही आपको बनाना है ताकि शेप इधर उधर हो जाए तो हम आसानी से इरेज करके उसको शेप को ठीक कर सकते हैं तो इस तरीके से लाइन बना लीजिए उसके बाद कॉलर की लेंथ जितनी भी है उसको दो से भाग दे दीजिए क्योंकि कॉलर हमने फोल्ड किया हुआ है तो मेरा चौदह इंच का कॉलर है तो मैं सात इंच पर मार्क लगाऊंगी। सात इंच पर मार्क लगाने के बाद बिल्कुल एंड में आपको राउंड शेप देनी है या फिर स्ट्रेट या फिर कॉर्नर जिस तरीके से भी आपको शेप चाहिए वो शेप आप डाल दीजिए उसको मैं मार्कर से डार्क करके दिखा देती हूँ आपको तो ये मैंने स्ट्रेट कॉलर का मार्क लगा दिया है अब हम इसको कटिंग करेंगे कटिंग करने के लिए बिल्कुल जो मैंने मार्क लगाया है उसी मार्क के ऊपर से हमें कॉलर को कटिंग करना है तो हमारी प्रॉपर तरीके से कॉलर की कटिंग हो जाएगी बिल्कुल इस तरीके से तो ये मेरा फर्स्ट कॉलर कटिंग हो गया है इसको स्ट्रेट कॉलर कहते हैं तो ये कुछ इस तरीके से लगेगा हाफ कॉलर में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अब मैं सेकंड कॉलर कटिंग कर रही हूँ सेकेंड कॉलर के लिए भी मैं उसी तरीके से स्ट्रेट लाइन बनाऊंगी तो ये मेरी पहले से ही स्ट्रेट लाइन बन गई है जो मैंने पहले वाला कॉलर कट किया था यहीं से मैं ले लेती हूँ कॉलर की चौड़ाई तो इस कॉलर की चौड़ाई भी मैं एक ही एक इंच ही रखूँगी तो उसको मैंने स्ट्रेट लाइन से मिला दिया है स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आप इस टाइप का एक ट्रायंगल शेपर ले लीजिए क्योंकि इससे स्ट्रेट लाइन प्रॉपर तरीके से बन जाती है आसानी से दोनों साइडों में मैं मार्क लगा लेती हूँ उसके बाद फोल्ड वाली साइड से अगर आप लंबा कॉलर कटिंग कर रहे हैं तो साढ़े तीन इंच पर मार्क लगाएंगे मेरा कॉलर नॉर्मल है तो मैं तीन इंच पर मार्क लगाऊंगी क्योंकि मेरे कॉलर की लेंथ है चौदह इंच तो अगर चौदह इंच से ज़्यादा आपका कॉलर हो रहा है तो आप साढ़े तीन इंच पर मार्क लगाएंगे तो ये मैंने मार्क लगा लिया है उसके बाद आपको कॉलर की लेंथ जितनी भी है तो जैसे मैंने चौदह इंच लिया है तो उसके अकॉर्डिंग मेरा आएगा सात इंच पे लेकिन मैं उससे टू पॉइंट कम करूँगी यानी कि पौने सात इंच पे मैं यहाँ पर मार्क लगाऊंगी क्योंकि मैं एंड में हल्का सा कर्व देना है मुझे हल्का सा राउंड शेप जब देंगे तो वो अपने आप ही सेवन इंच पर आ जाएगा तो पौने सात इंच पर मैंने इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बना ली है अब जो ऊपर वाली लाइन है सेवन इंच पर जहाँ पर हमने मार्क लगाया था उससे थोड़ा सा नीचे पौने एक इंच पर एक मार्क लगाएंगे और उस मार्क को जो हमने तीन इंच पर एक मार्क लगाया था आर्मोल शेपर के पीछे वाली साइड से हम उसको शेप में देंगे बिल्कुल इस तरीके से आपको आर्मोल शेपर को रखना है और फिर उसको शेप में डाल देना है शेप में डालने के बाद अब जो नीचे वाली लाइन है नीचे वाली लाइन पर भी हम सेम वैसे ही शेप देंगे एक बार हम मेज़र कर लेते हैं इस लाइन को कि हमारा जो कॉलर है वो प्रॉपर मेज़रमेंट में है या नहीं तो हमारा सेवन इंच पर पूरा आ गया है अब नीचे वाली लाइन पर भी सेम वैसे ही करेंगे पौने एक इंच पर निशान लगाएंगे यहाँ से मैं पौने एक इंच पर एक मार्क लगा लेती हूँ और उस मार्क को भी तीन इंच से मिलाना है बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने आर्मोल शेपर से मिलाया था तो आर्मोल शेपर के पीछे वाली साइड से वैसे ही हमें यूज़ करना है और ये हमारा शेप हो गया है अगर आपके पास आर्मोल शेपर नहीं है तो आप हाथ से भी इसको हल्के सी शेप में दे सकते हो तो पीछे वाली साइड से भी बिल्कुल इस तरीके से राउंड शेप में आपको डाल देना है मैं अभी मार्कर से आपको डार्क करके दिखा देती हूँ किस तरीके से शेप आया है मेरा पूरा तो इस तरीके से मैंने मार्कर से डार्क कर लिया है उसको पीछे से भी वैसे ही शेप देंगे राउंड शेप तो ये हमारा सेकंड कॉलर भी का भी मार्क लग गया है अब मैं इसको मार्क के ऊपर से ही कट करूँगी बिल्कुल इसी तरीके से कॉलर में कोई भी मार्जिन नहीं रखना है आपको कॉलर जब हम कटिंग करते हैं तो उसको निशान के ऊपर से ही कट करते हैं एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं तो इस तरीके से मैंने सेकेंड वाला कॉलर भी कट कर लिया है एक बार आपको खोल के दिखा देती हूँ कि किस तरीके का इसका प्रॉपर शेप दिखता है तो ये देखिए इस तरीके से ये कॉलर होता है इसका इस्तेमाल हम जेंट्स का जो हमारा कुर्ता है ज़्यादातर हम उसी में करते हैं और सूट में भी हम इसको लगा सकते हैं सारे कॉलर जितने भी हैं सबकी लुक अलग अलग ही आती है तो अब मैं तीसरे नंबर का कॉलर कट करूँगी उसमें और भी डीप शेप देंगे तो चलिए देखते हैं किस तरीके से शेप दी जाती है उसकी तो स्ट्रेट लाइन बना लीजिए सबसे पहले उसके बाद कॉलर की चौड़ाई आपको जितनी भी रखनी है उतना आप रख लीजिए वैसे तो नॉर्मली हम एक इंच का ही कॉलर रखते हैं आप सवा इंच भी रख सकते हैं डेढ़ इंच तो बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाता है तो यहाँ पर भी मैंने एक इंच का ही कॉलर लिया है तो दोनों मार्क को स्ट्रेट लाइन से मिला दिया है इसी ट्रैंगल शेपर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं छोटी छोटी अगर आप स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं कुछ भी छोटी चीज़ें कटिंग कर रहे हैं नेक कटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आप ट्रेंगल शेपर ले लीजिए अब फोल्ड वाली साइड से यहाँ पर भी मैंने तीन इंच पर ही मार्क लगाया है क्योंकि इसका भी मैं चौदह इंच का ही कॉलर कटिंग करूँगी अब जो तीन इंच पर मैंने निशान लगाया है वहाँ से मैं हल्का हल्का सा गोल शेप में डालती जाऊँगी और राउंड वाली शेप जहाँ हमने फोल्ड किया था पेपर जो हमारा फोल्ड है वहाँ से मुझे स्टार्ट करना है और सेवन इंच पर एक मार्क लगाना है तो इस तरीके से मैंने सेवन इंच पर मार्क लगा लिया है अब उसको भी आगे से इस तरीके से शेप देनी है जैसे मैं कॉलर में दे रही हूँ तो ये मैंने इस तरीके से नीचे वाली लाइन पर मिला दिया है थोड़ा सा मार्कर से आपको डार्क करके दिखाती हूँ कि आपको किस तरीके की शेप देनी है इसमें तो ये हमने थर्ड नंबर का कॉलर का जो शेप है इस तरीके से दिया है अब मैं मार्क के ऊपर से ही उसको कट करूँगी जैसे मैंने बाकी कॉलर कट किए हैं तो इस तरीके से हमारा जो थर्ड नंबर का कॉलर है ये भी कटिंग हो गया है फ्रेंड्स इसको आप फुल कॉलर में भी यूज़ कर सकते हैं कुर्ते स्टाइल सूट बनाते हैं हम उसमें भी यूज़ कर सकते हैं तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है ये कॉलर और बहुत यूज़फुल भी है फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना एक कॉलर और रह गया है अभी मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से उस कॉलर की कटिंग करनी है बहुत ही यूज़फुल कॉलर है तो इस तरीके से मैंने थर्ड नंबर का कॉलर भी आपको बता दिया है अब हम सीखेंगे फोर्थ नंबर का कॉलर तो उसके लिए भी मैं स्ट्रेट लाइन बना लूँगी बिल्कुल इस तरीके से ट्रैंगल शेपर का इस्तेमाल करते हुए एक स्ट्रेट लाइन बनाइए अब उसके बाद कॉलर की चौड़ाई आपको जितनी भी रखनी है वो आप लीजिए या फिर हम यहीं से जैसे हम बाकी कॉलर में तीन इंच का एक निशान लगाते हैं इस कॉलर में हम वो निशान नहीं लगाएंगे हम बिल्कुल राउंड शेप यहीं से डालना स्टार्ट करेंगे तो इस तरीके से आपको बिल्कुल गोल शेप में देना है और ध्यान रहे कि ये चौदह इंच का कॉलर नहीं होता है क्योंकि ये बिल्कुल हमारे गले से चिपक के नहीं आता थोड़ा सा गले से गर्दन से हमारी दूर रहता है तो इसके गले की जो कॉलर की लेंथ है वो कम से कम दस इंच आपको रखनी है तो मैं दस इंच पर मार्क लगा रही हूँ वहीं से मुझे गाइडलाइन लेनी है तो ये पूरा गोलाई में मैं एक इंच पर डॉट डॉट लगा लूँगी सबसे पहले कि हम मुझे गाइडलाइन मिल जाए किस तरीके से मुझे इसको शेप में देना है तो इस तरीके से मैंने छोटे छोटे डॉट्स बना लिए हैं अब उनको मिलाते हुए आपको शेप देना है तो ये कॉलर की तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फ्रेंड्स तभी ये राउंड शेप में आएगा तो इस तरीके से एंड में मिड में आपको राउंड शेप देना है आपको मार्कर से डार्क करके दिखा देती हूँ कि आपको किस तरीके से इसको शेप में देना है तो ये हमने बिल्कुल राउंड शेप में कट किया है तो ये हमारी राउंड शेप बन के रेडी हो गई है तो ये कॉलर बहुत अट्रैक्टिव लगता है रेडीमेड कुर्तों में नाइन्टी नाइन परसेंट यही कॉलर आता है और ये लुक वाइज भी बहुत अच्छा लगता है अब मैं मार्क के ऊपर से ही इसको कट कर दूंगी बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी एक बार ज़रूर ट्राई करना है फ्रेंड्स एक बार इसको कॉलर को ट्राई करके देखिएगा बहुत ही यूज़फुल वीडियो है और बहुत ही यूज़फुल कॉलर भी है तो आप एक बार ट्राई करके मुझे मैसेज करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा कॉलर कैसा लगा कितनी यूज़फुल रही है आपके लिए ये वीडियो और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम आईडी मैंने अपने वीडियो पे लिखा हुआ है तो ये मैंने सारे कॉलर को कटिंग कर लिया है मैं एक बार आपको सारे कॉलर एक साथ लगा कर दिखाती हूँ कि कौन से कॉलर में कितना डिफरेंस है तो ये मेरा सेकेंड नंबर का कॉलर है और ये मेरा थर्ड नंबर कॉलर है और अब मेरा लास्ट में स्ट्रेट कॉलर जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कटिंग करना तो ये चारों कॉलर की कटिंग मैंने आपको बता दी है आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा यूजफुल रहा होगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस मेरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर मैं अभी वीडियो बनाने वाली हूँ फ्रेंड्स मिलती हूँ आपसे नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय